देश की आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाने वाले शहीद आज़म भगत सिंह के इतिहास को अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग भी समझ पाएंगे। दरअसल आज़ादी की क्रांति के प्रेरणा रहे महान क्रांतिकारी भगत सिंह के विरासत को संजो कर रखने के लिए पाकिस्तान के फैसलाबाद में उनके पुश्तैनी मकान को स्मारक बनाने का फैसला लिया गया है। फैसलाबाद को आज़ादी के पहले लायलपुर के नाम से जाना जाता था और शहीद आज़म भगत सिंह का जन्म यहीं पर हुआ था। फैसलाबाद के बंगा गांव में भगत सिंह का घर था जहां वो पले बड़े थे। देश को आज़ादी मिलने के बाद भगत सिंह का पूरा परिवार भारत आ गया था, जिसके बाद उनके पुश्तैनी मकान पर वहां के स्थानीय वकील का कब्जा हो गया था। अब भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन उस जगह को खरीदने के लिए आगे आ गया है और उस जमीन पर कब्जा रखने वाले वकील भी उसे देने को राजी हो गए हैं। फाउंडेशन के चेयरमैन रशीद कुरैशी ने बताया कि शहीद आज़म भगत सिंह का घर अब तीन हिस्सों में बट चुका है। इसका एक हिस्सा वो है जहां भगत सिंह पैदा हुए थे, वो बंगा गांव के नंबरदार जमात अली के पास है और वो भी उसे देने को तैयार हो गए हैं। अली ने कहा है कि ऐसा करना उनके लिए गर्व की बात होगी। जमीन को लेकर फाउंडेशन के चेयरमैन रशीद और अली के बीच बैठक भी हो चुकी है। भगत सिंह के जन्म वाली जगह को ही स्मारक बनाया जाएगा और सबसे खास बात यह है कि इसमें अमृतसर के ऐतिहासिक जलियांवाले बाग से मिट्टी लाकर डाली जाएगी। बता दें कि कुरैशी की कोशिशों के बाद ही लाहौर में शहीद भगत सिंह की फांसी का मामला एक बार फिर उठा था। उनके शहीद स्थल सादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखा गया। बता दें कि भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान के बंगा गांव में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। देश की आज़ादी के लिए इस बेटे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका और मात्र 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। आज़ादी मिलने के बाद बंटवारे के समय इनका पूरा परिवार पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गया था और वो पंजाब के नवाशहर में खटकड़ कला गाँव में आकर बस गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान में स्मारक बनाने की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग भी भगत सिंह की शहीदी की महत्वता को समझ पाएंगे।